36 राफेल पर शोर मचाने वाले विपक्ष का शोर अब अमेरिका से हो रही MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन पर शिफ्ट हो चुका है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन डील पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए। महंगी कीमत पर मोदी सरकार ने डील किया, ये कांग्रेस कह रही है। 4 गुना कीमत पर MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की डील की गई। पवन खेड़ा ये बात कह रहे हैं, 25,000 करोड़ में भारत सरकार खरीद रही है ड्रोन, कांग्रेस ने डील की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। बिना CCS बैठक के डील क्यों हुई, पवन खेड़ा का सवाल है। सिर्फ 8 से 9% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही क्यों किया जा रहा है, पवन खेड़ा के ये तमाम सवाल है। क्या कह रहे हैं पवन खेड़ा, जरा सुनिए। हम खरीद रहे हैं इससे 4 गुनी कम पे, बाकी देशों ने यही ड्रोन इसी कंपनी से खरीदा, वो भी मेरी प्रेस रिलीज में आपको हर देश के बारे में लिखा है मैंने कि यूके ने कितने में लिया, ऑस्ट्रेलिया ने महंगे खरीद सौदा किया और फिर वो सौदा रद्द कर दिया, स्पेन ने कितने में खरीदा, ताइवान ने कितने में खरीदा, इटली ने कितने में खरीदा। तो प्रक्रिया पर आ जाते हैं। अब हमने सुना था प्रधानमंत्री जी ने सीना ठोक कर बोला था एक अकेला सब पर भारी, यहां भी वो एक अकेला सब पर भारी हो गया। CCS की कोई बैठक नहीं हुई, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की कोई बैठक नहीं हुई। इस बैठक के बगैर एक अकेला सब पर भारी ने जाकर अपना एक और महंगा शौक पूरा किया। तो ये पवन खेड़ा आरोप लगा रहे हैं, और पवन खेड़ा के इन आरोपों को कितना बल मिलता है, ये आरोप प्रत्यारोप कहां तक जाते हैं और बीजेपी इस पर क्या कहती है। आपको याद होगा राफेल विमान की खरीदी को लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए थे, हालांकि वो सवाल बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। अब ये जो MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सवाल कहां तक जाएंगे। पवन खेड़ा कह रहे हैं अपनी फैंटेसी के लिए कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ सरकार ये बताती है कि MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन ये वही प्रीडेटर ड्रोन है जो कहीं पर भी जाकर रडार से बचकर कहीं पर भी हमला करने में सक्षम है, और यह भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित होगा। तो दोनों अलग अलग पक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर सरकार से डील को लेकर सवाल खड़े कर रही है, 25,000 करोड़ में भारत सरकार खरीद रही है ड्रोन। पवन खेड़ा कह रहे हैं कि दूसरे देशों ने तो इससे सस्ते में खरीद, बिना CCS की बैठक के डील क्यों हुई, पवन खेड़ा के सवाल। हालांकि सरकार की ओर से क्या कहा जाता है प्रेडेटर ड्रोन को लेकर, ये देखने वाली बात है। हाल ही में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, पूरे विश्व ने उनके उस ग्रैंड वेलकम को देखा, और उस वेलकम के दौरान एक जो सबसे बड़ी डील हुई वो MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन को लेकर हुई। ये वही ड्रोन है जो कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए अभी तक बहुत अहम रहा है, और अब ये तकनीक जो है वो भारत में आने जा रही है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने जा रही है। लेकिन इसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े कर रही है, डील को लेकर, डील की कीमत को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किया। हमारे साथ गौरव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, ये सवाल राफेल डील से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं जो कि MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन को लेकर कांग्रेस पार्टी उठा रही है, इसका आने वाले वक्त में क्या फलसफा हो सकता है, क्योंकि इस तरह की जब डील होती है बहुत गुप्त होती है, बहुत सारी चीजें सरकार डिस्क्लोज नहीं करती है, लेकिन जो सवाल उठाए हैं पवन खेड़ा ने, क्या उसका जवाब देगी सरकार। देखिए, सवाल इस वजह से होंगे क्योंकि इससे पहले रफाल डील को लेकर हमने काफ़ी लंबा और बड़ा विवाद जो है वो देखा है, संसद से लेकर कोर्ट के गलियारों तक जो है रफाल डील को लेकर विवाद हुआ था। अब जो मौजूदा विवाद है जो कि ड्रोन की खरीद को लेकर हुआ है, इसमें कुछ अहम सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाए गए हैं। सबसे पहले कि अगर कोई रक्षा मसौदा दो देशों के बीच में हुआ है तो क्या इसकी जानकारी और इसका फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी द्वारा लिया गया या उसको जानकारी दी गई। दूसरा ये कि कीमत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कहा गया है कि 25,000 करोड़ में 31 ड्रोन खरीदे गए हैं, जबकि ये आउटडेटेड ड्रोन्स हैं और बाकी के देशों चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या कुछ और देश, उन्होंने इसकी 1/4 कीमत में ये ड्रोन खरीदा। सवाल ये उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, अगर भारत सरकार और ड्रोन बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स के बीच में किसी तरह का कोई समझौता हुआ तो जाहिर तौर पर भारत सरकार को किसी तरह का कीमतों को लेकर टेंडर मिला होगा, वो टेंडर कहाँ है ये भी सामने रखना चाहिए। इसके अलावा सवाल ये खड़े किए गए हैं, सबसे बड़ा सवाल कि जो जनरल एटॉमिक्स के CEO हैं उनके संबंध जो है वो भारत के एक बेहद ही प्रभावशाली व्यक्ति से हैं जो कि प्रधानमंत्री के करीबी हैं, तो इस तरह के बड़े आरोप हैं। दूसरा सबसे बड़ा आरोप साफ साफ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर इतने सस्ते आउटडेटेड टेक्नोलॉजी के ड्रोन जिनकी
कीमत ज्यादा नहीं है, जबकि वायुसेना ने सिर्फ 19 ड्रोन की डिमांड की थी। इतने ज्यादा महंगे ड्रोन खरीद कर क्या कमीशन खोरी हुई है, क्या घपला किया गया है? कांग्रेस का सीधा आरोप है कि ड्रोन की खरीदारी में 25,000 करोड़ का घपला हुआ है। और ये बहुत गौरव, लेकिन अब जवाब सरकार को देना है और सरकार की तरफ से क्या जवाब दिए जाते हैं देखने वाली बात है। गौरव, अपना से बनाए रखिए, आपसे तमाम अपडेट्स हम लेते रहेंगे।